सना मकबूल की रात की हरकतें देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग काफी ज्यादा सना मकबूल के ऊपर भड़क रहे हैं। आखिरकार वजह क्या है, चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब बहुत सारी चीज़ें मैंने सना मकबूल में नोटिस की और अपने आधार पर जो है मैंने काफ़ी सारी बातें जो है आप लोगों को बताई कि आखिरकार सना मकबूल जो है क्या सब चीज़ें कर रही है। और ये सीज़न की जिया शंकर है सना मकबूल। पिछले सीज़न OTT सीज़न 2 में जिया शंकर थी, अब OTT सीज़न 3 में अब सना मकबूल को ले आए हैं। पर पर्सनैलिटी जो है कहीं ना कहीं इनकी सिमिलर है, अच्छी तो दिखती हैं, प्यार तो लोगों को इनके साथ होता है, पर दिल से जो है ये ऐसी हैं कि अपने फ़ायदे के लिए जो है किसी का भी फ़ायदा उठा ले। वैसे जो है कल रात को स्पॉन्सरशिप जो लोटस का है वो उसके लिए चिट्ठी जो है घर के अंदर भेजी गई और लोटस की क्रीम्स वगैरह आई, तो सना मकबूल जो है बहुत ही प्यार से जो है नेजी को क्रीम लगा रही थी रात को। और ये क्लिप्स जो है सोशल मीडिया पर लोग काफ़ी ज़्यादा कट करके शेयर कर रहे हैं। अब लोगों का कहना ये है कि हम अंधे थोड़ी ना हैं, हमें सब चीज़ें दिखाई देती है। सच्ची बात है, लोग अंधे थोड़ी ना, और जो लोग इस शो को बहुत रियल तरीके से देखते हैं उन लोगों को हर किसी की फीलिंग जो है वो समझ ज़रूर आती है। जैसे कि नेजी की फीलिंग, नेजी जो है सना मकबूल को पसंद करता है, उसकी आँखों से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसकी बातों से ये बाखूबी पता चलता है। अब लोगों का कहना ये है कि सना मकबूल जो है नेजी की फीलिंग के साथ खेल रही है और वो इसलिए खेल रही है क्योंकि वो नेजी की प्रायोरिटी बनना चाहती है, क्योंकि वो किसी और की प्रायोरिटी नहीं है। वो इस घर में आके इस तरीके की गेम खेल रही है, तो ऐसे लोग आगे नहीं जाते हैं। सही बात है, अभी देखा जाए तो प्रायोरिटी जो है वो शिवानी की भी बनना चाहती है और नेजी की भी फर्स्ट प्रायोरिटी बनना चाहती है। पर अगर इसके सामने शिवानी और नेजी को रख दिया जाए तो आखिरकार ये फर्स्ट प्रायोरिटी सना मकबूल किसको बनाएगी, तो वहाँ पर सना को जो है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ जाएगी। तो सना ने कल भी ये बात बोली थी और जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, उसने ये बात बोली थी कि यहाँ पर मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं किसी को यहाँ पर दोस्त बनाने नहीं आई हूँ, दोस्ती रिश्ते जो भी होंगे वो बाहर जाके, तो मैं यहाँ पर किसी को दोस्त नहीं बोलती। तो उसी के कुछ ही देर बाद जो है नेजी को वहाँ पर टेबल पे ही बैठ के ये बात बोल रही थी कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। डबल बातें कर रही है सना मकबूल, जो हर एक चीज़ जो है मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। सना मकबूल की ऐसी पर्सनैलिटी निकल के सामने आएगी ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि इसकी इमेज जो है सना मकबूल की कुछ अलग ही थी। और तो और सना मकबूल का बाहर बॉयफ्रेंड भी है और बॉयफ्रेंड होने के साथ साथ वो नेजी की फीलिंग के साथ खेल रही है। और एक लड़की को पता चल जाता है कि उसके ऊपर मतलब कि सामने वाला बंदा उसको लाइक कर रहा है या एज अ दोस्ती के जैसा देख रहा है, लड़की में ऐसा ऊपर वाले ने ऐसी पावर दी हुई है, तो सना मकबूल को भी पता चल गया होगा कि नेजी उसको कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है और कितना ज़्यादा उसको लाइक कर रहा है। इतना सब चीज़ें जानने के बाद भी अगर उसकी फीलिंग के साथ खेल रही है तो सना की ये पर्सनैलिटी भाई मुझे तो अच्छी नहीं लगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।